बीजेपी के कद्दावर नेता यशवंत सिंह MLC का आज मुबारकपुर आगमन हुआ और सबसे पहले अलीनगर स्थित अल्परवेज कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन करने के बाद मुबारकपुर नगर पालिका चेयरमैन प्रतिनिधि हाजी अब्दुल मजीद अंसारी के आवास पर पहुंचे, जहां हाजी अब्दुल मजीद अंसारी और उनके भाई हाजी मजहर अंसारी ने स्वागत अभिनंदन किया। उसके बाद यशवंत सिंह MLC ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि मुबारकपुर एक ऐसी धरती है जहां से हमारा पुराना गहरा लगाव है, परिवार जैसा व्यवहार रहता है, इसलिए मैं मुबारकपुर के लिए और उसकी तरक्की के लिए जहां तक भी हो सकता है कोशिश करता हूं और कोशिश करता रहूंगा। मुबारकपुर अपने हुनर से पूरी दुनिया में नाम रोशन किया है, जिसे रेशम नगरी के नाम से पुकारा जाता है। इस अवसर पर हाजी अब्दुल मजीद अंसारी 88 राजपति वेश जेई महावीर भारती सूरज सिंह शमशेर अली उर्फ आसू जमाल प्रधान हाजी मजहर अंसारी अरसद जमाल सभासद बबलू आमिर समेत बहुत से लोग उपस्थित थे। ब्यूरो रिपोर्ट सरफुद्दीन आजमी। मतलब मैं बहुत दिनों से मुबारकपुर से जुड़ा हूँ, मेरा निर्वाचन क्षेत्र है। मैं इसी जगह से करीब कम से कम 40 वर्षों से इस विधानसभा में काम करता हूँ। मैं खुद सेवक हूँ, तो सेवक को आने जाने के बारे में नहीं पूछा जाता। जी सर, लेकिन जो है आज यहाँ पे आप लोग काफ़ी आगमन किए, काफ़ी लोगों में उत्साह है एक तरीके से देखा जा रहा है तो, और लोगों काफ़ी आपकी सराहना भी हो रही है हर जगह है, तो आप अपने क्षेत्रवासियों को क्या शुभकामना देंगे? नए साल भी आ रहा है, इस पर आप क्या शुभकामना देंगे? देखिए, जहाँ पर हम खड़े हैं इस कस्बे में, इस कस्बे ने अपने हुनर के बदौलत इस मिट्टी का नाम देश में ही दुनिया में रोशन किया है। यहाँ के लोग बीच में कुछ भटक गए थे, फिर रास्ते पर आए हैं। हम यही चाहेंगे कि जो बातें बीत गई उसको छोड़कर आगे बढ़ने की ज़रूरत है। ये पुरानी जो हमारी परंपरा रही है, जो हमारी इज्जत रही है, जो शोहरत रही है, वो मुबारकपुर की कायम नहीं हो बल्कि उससे आगे बढ़े, यही हमारी मुबारकपुर वासियों से कामना है।